नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज की कलर ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, तो पहले हमें अस्तर पे ही कट करना है। तो देखिए पहले हम साइज के हिसाब से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ब्लाउज की तैयार लंबाई जो है वो 14 इंच होगी, तो 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इस तरह देखिए 15 इंच पर निशान बनाएंगे। और देखिए जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसकी चेस्ट साइज यानी 34 इंच से ज़्यादा 35 इंच है। तो ये हमारा कॉलर ब्लाउज होगा। तो देखिए इसका शोल्डर तैयार 15 इंच जाता है, तो डबल फोल्ड करके 7.5 इंच होगा और आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। इस तरह देखिए इसके हम इसका शोल्डर शोल्डर की चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे, आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम 1 इंच पर 1 इंच से कम ही थोड़ा सा लेंगे, इस तरह गुलाई दे देंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हम अंदर की तरफ ही लेंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 इंच से थोड़ा सा कम ही लिया है और इस तरह गुलाई देना है। तो देखिए हमारा राउंड कलर है, तो गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। पीछे देखिए हमें गला इसमें नहीं रखना है, जैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर ब्लाउज है तो इसमें गला भी बना सकते हो, गले का जो शेप आपको पसंद आए उस हिसाब से रख सकते हो। तो इसमें हम सिंपल ही रखेंगे, गला नहीं कट करेंगे। तो अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कि यहाँ पर जब हम कलर ब्लाउज या बोटी ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम स्टिच करते वक्त आधा इंच इस तरह से झुकाते हैं, तो इसे हम कटिंग के समय नहीं कट कर रहे हैं। आप इसे कटिंग करते समय भी कट कर सकते हो। तो इसको हम स्टिचिंग करते समय आधा इंच आर्म होल की तरफ झुकाएंगे, तो इसे देखिए हम सीधा ही कट कर रहे हैं। इस तरह देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहीं से हमें फ्रंट की भी कटिंग करना है, तो जैसे फ्रंट पार्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं तो इस तरह से हम बढ़ा लेंगे कपड़े को। शोल्डर 8 इंच, आर्म होल 7 इंच, 7 इंच से कम नहीं लेना है, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो। यहाँ पर देखिए जब हम आधा इंच झुका देते हैं तो यहाँ कम हो जाता है। देखिए यहाँ से हम 1 इंच इस तरह अंदर की तरफ इसे लेंगे। देखिए इस तरह ये आर्म होल का शेप हो गया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच लेना है, इसकी गहराई भी हम 3 इंच ही लेंगे। देखिए हम राउंड कलर बनाएंगे तो गहराई इसकी हम 3 इंच लेंगे, चौड़ाई भी 3 इंच लिया है और इसकी गहराई भी 3 इंच, इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर जो हम टक्स बनाएंगे उसका निशान बनाएंगे, यानी कि जो हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए जो हमारा चेस्ट सेंटर पॉइंट का निशान है तो वो अपने साइज के हिसाब से उसे देना है। तो देखिए इसका जो हम नाप लेंगे तो इसे हमें हमेशा तो इसका नाप देखिए हम हमेशा शोल्डर की ओर से लेना है, जैसे नीचे की ओर से इसका नाप नहीं लेना है जो मेन प्लेट डालता है। तो नीचे की ओर से जो बिगनर्स हैं उन्हें कम समझ में आता है, तो देखिए ऊपर की ओर से आप इसे हमेशा नाप लें। पहली प्लेट चेस्ट सेंटर पॉइंट का निशान इसका हम 10 इंच पर देंगे। आप अपने साइज के हिसाब से इसे कम कर भी कर सकते हैं, जैसे 9.5 इंच पर। और देखिए बड़ी ज़्यादा बड़ी साइज है तो इसे 10.5-11 तक आप कर सकते हैं। तो ये हमारी मीडियम साइज है, इसे हम 10 इंच पर करेंगे और 12 इंच पर इसकी क्रॉस पट्टी होगी। तो ये 12 इंच पर क्रॉस पट्टी का निशान है। ये चेस्ट सेंटर पॉइंट की पहली प्लेट है जो हमने 10 इंच पर निशान बनाया है। बारह इंच पर इसकी क्रॉस पट्टी रखेंगे। आप बड़ी साइज ले रहे हो तो 12.5-13, अगर इससे कम है तो 11.5 इंच पर इसे लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम 1 इंच की गुलाई देंगे, इस तरह से क्रॉस पट्टी का शेप देंगे, यहाँ पर 1 इंच पर देना है। अब हम प्लेट्स के निशान बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे प्लेट्स के निशान हो गए हैं। अब ब्लाउज की जैसे तैयार लंबाई है तो
बैक पार्ट की हमने 15 इंच ली है 14 इंच के लिए, यानी कि तैयार 14 इंच के लिए लंबाई 15 इंच ली है। तो ये फ्रंट पार्ट है तो आधा इंच यहाँ सिलाई में जाता है, तो इसलिए 1 इंच से ज़्यादा लेना है। तो इस तरह देखिए इसकी लंबाई हम 16 इंच लेंगे, 1 इंच बढ़ाया है बैक पार्ट से। पट्टी हो गई है, तो देखिए ये हमारा राउंड कलर है। जैसे आप इसमें हाफ स्टैंड कलर भी बना बना रहे हो तो इसी तरह से कट करना है। और देखिए हमने इसमें क्रॉस पट्टी भी हमें लगाना है, आप जैसे अपनी पसंद के हिसाब से इसमें क्रॉस पट्टी नहीं लगा रहे हो तो उस हिसाब से कट करना है। जैसे आप इसे प्रिंसेज कट भी रख रहे हो तो उस हिसाब से कट करना है, और शोल्डर भी साइज के हिसाब से ही इसमें कट होता है। और गले का शेप देखिए हमने यहाँ पर राउंड नेक रखना है तो उस हिसाब से दिया है। जैसे यहाँ पर आप हाफ स्टैंड कलर बनाना चाहते हो तो गले की गहराई ज़्यादा रखना है, और गले का शेप अपनी पसंद के हिसाब से रखना है, और कटिंग इसी तरह से की जाती है। अब देखिए इसे हमें कट करना है, तो देखिए बंद वाली साइड हमने गले की तरफ की है और खुली वाली साइड आर्म होल की तरफ की है। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें चैन भी हमें लगाना है, तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हम दिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम कटिंग बताएंगे। तो देखिए जो हमने प्लेट्स के निशान बनाए हैं तो दूसरी साइड भी इसे हम बना लेंगे। तो इस तरह के निशान समझ में आ रहा है तो हम इसे बना लेंगे। अब देखिए बंद वाली साइड इसे हम पहले कपड़े पर रख के कट कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको हमें कट कर देना है। तो इस तरह देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम अस्तर को अच्छे से रखते हुए कट कर लेंगे, इसका हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए बैक पार्ट कट कर लिया है। तो देखिए बंद वाली साइड हम बंद वाली साइड ही रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए। और देखिए इसकी स्लीव्स हमें बड़ी रखनी है तो क्रॉस पट्टी जो है हम साइड से निकाल लेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से दोनों पार्ट हम अस्तर का भी और कपड़े का भी इस तरह से कट कर देंगे। अब हम क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने क्रॉस पट्टी को भी कट कर लिया है, हमें इसकी आस्तीन कट करना है। एक बार इस तरह और फोल्ड कर लेंगे। इसकी तैयार लंबाई हम 12 इंच रखेंगे, हम ज़्यादा लेंगे तो इस तरह देखिए इसे हम 14 इंच पर कट करेंगे। 1 इंच हमें नीचे की साइड में तुरपाई करना है, 1.5 इंच, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ये तैयार 12 इंच होगी। तो 3 इंच पर इस तरह देखिए इसको हमें शेप देना है, तो यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। देखिए दोनों स्लीव सही से निकल गई हैं। और देखिए इस तरह देखिए आगे के पार्ट की 2 पार्ट हम इस तरह से लेंगे और इसे हम इस तरह शेप दे देंगे। जो हमारे आगे के मुड्ढों में जॉइंट होती है उसे हमें इस तरह से गहराई देना है। इस तरह देखिए आप कटिंग के समय भी इसे कट कर सकते हो, या तो फिर जब सिलाई लगा रहे हो तब इसे इस तरह से कट कर दें। दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है, इस तरह देखिए हमारी कटिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर हम कॉलर की कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए राउंड कॉलर है, तो इसे जब हम इसका शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद हमें इसका नाप लेना है। हम देखिए इसका नाप लेंगे, उसके बाद ही नाप लेकर ही कॉलर की कटिंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। और इसकी देखिए हम स्टिचिंग का वीडियो भी बताएंगे तो वहाँ पर हम इसका कॉलर कैसे कट करना है वो बताएंगे, और इसमें हमें चेन भी लगाना है तो वो हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं इसके स्टिचिंग के वीडियो में, धन्यवाद।